Hello and welcome to Dynamic Study. Today, I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science और आज मैं Municipality Part 4 के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। आगे मैंने तीनों पार्ट्स में Municipality के बारे में डिटेल्स डिस्कस किया है। आज है Municipality का Part 4 और यही है लास्ट पार्ट। यहाँ पर Municipality के बारे में जो जो चीजें बाकी है जानना, उसके बारे में मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगी। उसके बाद आपको म्यूनिसिपैलिटी को लेकर कोई भी क्वेश्चन या डाउट नहीं रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। कैसे कैसे टाइप्स के अर्बन गवर्नमेंट इंडिया में है, इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। इंडिया में अभी 8 टाइप्स है। द फॉलोइंग 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज आर क्रिएटेड इन इंडिया फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्बन एरिया। सो अर्बन एरियाज में टोटल 8 टाइप्स है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काम करते हैं। सो द फॉलोइंग 8 टाइप्स ऑफ अर्बन बॉडीज अर्बन लोकल बॉडीज आर क्रिएटेड इन इंडिया। इंडिया में 8 टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज बनाए गए हैं जो अर्बन एरियाज में इंडिया में दिक्कत देखी जाती है। फर्स्ट है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबसे बड़े एरिया में म्यूनिसिपल बड़े जो एरियाज है वहां पर। नेक्स्ट है म्यूनिसिपलिटी, नेक्स्ट है नोटिफाइड एरिया कमेटी, उसके बाद है टाउन एरिया कमेटी, उसके बाद है कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप बोर्ड, ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी। एक एक करके उसके डेफिनेशन के बारे में हम 8 जो टाइप्स है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब सबसे बड़ा बड़ा जो शहर है के बारे में बात देखते हैं। सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों के लिए, जो मैंने कहा इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखी जाती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े, चेन्नई जैसे शहर के लिए ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिस्टम है। They are established in the state by the acts of concerned state legislatures and the union territories by the acts of Parliament of India. अगर वो राज्य में अवस्थित हो, जैसे कि मुंबई जैसे शहर, वो तो राज्य के अधीन है, वो वहां पर राज्य सिस्टम है, वहां पर उस राज्य के राज्य विधानसभा के अधीन एक्ट के द्वारा। और अगर यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली में है, सो वो यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से वो लोग ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाता है। सो देयर मे बी वन कॉमन एक्ट फॉर ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द स्टेट और अ सेपरेट एक्ट फॉर ईच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक स्टेट में अगर दो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके लिए अलग अलग म्यूनिसिपल एक्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट भी हो सकता है और दोनों के लिए एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट भी हो सकता है। बोथ आर पॉसिबल। The municipal corporation has three authorities. Three authorities हैं। क्या क्या है? First है council, उसके बाद है standing committees and the commission. सबसे है council, उसके बाद है standing committee, उसके बाद है commission. Okay? देखते हैं इसके बारे में detail. Council कौन से है? So the council is the deliberative and legislative wing of the corporation. जो डिलीवरेट करता है और जो आइन बनाता है उस कॉर्पोरेशन का, सो ये काउंसिल जो है वो लेजिस्लेटिव विंग भी है और लेजिस्लेटिव विंग भी है उस डिलीवरेट कॉर्पोरेशन का। इट कंसिस्ट ऑफ द काउंसिलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एज वेल एज अ फ्यू नॉमिनेटेड पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस काउंसिलर्स में, यहाँ पर जो काउंसिलर्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो नेता काउंसिलर्स होते हैं, वो वहां के जो नागरिक है वहां के नागरिक के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। लेकिन कुछ नॉमिनेटेड पर्सन भी होते हैं जो उनके पास, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में या चश्म व्यवस्था के बारे में, लेकिन उन लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं होती काउंसिल के अंदर। ओके, इन ब्रीफ द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल इंक्लूडिंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एसटी एंड वुमेन इज गवर्न्ड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर एससी एसटी और वुमेन के लिए 1/3 ऑफ द सीट रिजर्वेशन की बात की गई है और एससी एसटी के लिए वहां के एरिया के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से। द काउंसिल इज हेडेड बाय अ मेयर। टोटल काउंसिल के हेड कौन होते हैं? एक मेयर होते हैं। ओके, He is assisted by a deputy mayor. के अधीन होता है deputy mayor. He is elected in a majority of the state for 1-year renewable term.
हु इलेक्टेड होते हैं इन मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, ही इज इलेक्टेड नॉर्मली ज्यादातर राज्य में क्या होता है एक साल के लिए वो इलेक्टेड होते हैं लेकिन उनका टर्म रिन्यू कर सकते हैं. He is basically an ornamental figure and a formal head of the corporation. वो normally head होते हैं वहां के सबसे ऊपर position में होते हैं. He is basically his main function is to preside over the meetings of the council. Council में जब meetings होता है वहां पर उनको preside करना, वहां पर वक्तृता देना, वहां पर head करना, meeting को control करना उनका main काम. Next, उसके बाद है म्यूनिसिपल कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन. म्यूनिसिपल कमिश्नर्स जो होते हैं वो यहाँ पर जो काउंसिल में डिसीजन लिए जाते हैं उनको रिस्पॉन्सिबली इम्प्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट, काउंसिल इज द डिसीशन काउंसिल ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल एंड इट्स स्टैंडिंग कमिटी. काउंसिल ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल एंड इट्स स्टैंडिंग कमिटीज. काउंसिल ऑफ द डिसीजन काउंसिल ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल, काउंसिल के स्टैंडिंग कमिटी के यहाँ पर सारे डिसीजन लिए जाते हैं. Thus, he is the chief executive authority of the corporation. Mainly, वो executive authority के head होते हैं. He is appointed by the state government. वो state government के द्वारा appointed किया जाता है. Normally, वो एक IAS होते हैं. Okay. अब देखते हैं municipality क्या है. Municipal corporation से छोटा जो area है वहां पर municipality देखी जाती है. Urban areas. The municipalities are established for the administration of towns and smaller cities. छोटे शहरों के लिए ये सिस्टम देखी जाती है. Like the corporation, they are also set up in the states by the act of council state legislature and the union territory by the acts of parliament. अगर राज्य में म्यूनिसिपल सिस्टम है तो वो राज्य विधानसभा के अधीन होगा. अगर यूनियन टेरिटोरी में कोई म्यूनिसिपैलिटी है तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के द्वारा होगा. ओके, दे आर ऑल्सो known as known by various other names. उसको और नाम से हम जानते हैं जैसे कि म्यूनिसिपल काउंसिल के कहीं का म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं, कहीं पर म्यूनिसिपल कमिटी कहते हैं, कहाँ पर म्यूनिसिपल बोर्ड कहते हैं, बोरो म्यूनिसिपैलिटी, सिटी म्यूनिसिपैलिटी, ऐसे ऐसे नाम से हम जानते हैं. Like a municipal corporation, a municipality also has three authorities. Three authorities हैं जैसे कि the council, standing committee and the chief executive. नेक्स्ट, सो इन तीनों चीजों को लेकर ये टोटल सिस्टम बनी होती. ओके, लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सो ये मैंने बता दिया. नेक्स्ट पॉइंट है द काउंसिल इज डेलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी. सो ये जो काउंसिल है यहाँ पर वो क्या है, लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग है म्यूनिसिपैलिटी का. इट कंसिस्ट्स ऑफ द काउंसिलर्स, यहाँ पर काउंसिलर्स रहते हैं और इस काउंसिल को इलेक्टेड कौन करते हैं, जो लोग डायरेक्ट वहां पे जो लोग हैं म्यूनिसिपैलिटी के अधीन वो लोग. नेक्स्ट, द काउंसिल इज हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन. सो काउंसिल के हेड कौन रहते हैं, वो होता है प्रेसिडेंट. काउंसिल के हेड है प्रेसिडेंट या चेयरमैन जिसको हम कहते हैं. ही इज असिस्टेड बाय वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन, उनके अधीन है वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन. ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल, नॉर्मली वो मीटिंग्स में प्रिसाइड्स करते हैं. अनलाइक द मेयर ऑफ ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल एंड इज पाइवोट टू द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में मेयर की तरह ही उनका म्यूनिसिपल एरिया में बहुत ज्यादा पावर है, वही मेन रोल प्ले करते हैं. अपार्ट फ्रॉम प्रेसिडिंग ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल, ही एंजॉयज द एग्जीक्यूटिव पावर. यहाँ पर वो तो मीटिंग में आना ही पड़ता है, उसके साथ साथ उनके पास एग्जीक्यूटिव बहुत सारे पावर्स काम करना पड़ता है. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अदर चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, जो राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट होते हैं. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं या चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर फॉर डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है म्यूनिसिपैलिटी में वो संभालते हैं और उनको अपॉइंट करते हैं कौन, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा. नेक्स्ट देखते हैं नोटिफाइड एरिया कमिटी के बारे में. नोटिफाइड एरिया कमिटी क्या है, ये नोटिफाइड एरिया कमिटी इज क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एरियाज. टू टाइप्स ऑफ एरियाज के लिए ये नोटिफाइड एरिया कमिटी बनाई गई है. फर्स्ट, डेवलपिंग टाउन्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो जो टाउन्स जो शहर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल बहुत जल्दी से जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं,
एंड अ टाउन व्हिच डज नॉट येट फुलफिल ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी। और जो छोटे छोटे शहर है जो म्यूनिसिपैलिटी का जो क्राइटेरिया है वो अब तक फुलफिल नहीं कर चुके इन दोनों को लेकर, बट विच अदरवाइज इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि ये नोटिफाइड एरिया को उसे इंक्लूड किया जाए उसको उसी के अंदर भेजा जाता है। Since it is established by a notification in the government gazette, it is called notified area. ये क्योंकि notify किया जाता है government gazette के द्वारा, इसलिए notified area के नाम से जानते हैं, notified area committee के नाम से जानते हैं। तो it functions within the framework of the state municipality act. तो ये इसका जो काम है total, ये state municipality act के अधीन ही होता है। Only those provisions of the act apply to it. Which are notified in the government gazette. Government gazette में government के rules पे जो जो apply का provisions लिखा हुआ है उसी को ही apply किया जाता है, okay? It may also be entrusted to exercise powers under any other act. It may also be entrusted to exercise. ये मतलब it also may be entrusted to exercise powers under other acts के द्वारा भी ये काम होता है। Its powers are almost equivalent to municipality. Municipality जो जो काम करता है वही काम ये ही करता है। But unlike the municipality, municipality के से कहाँ difference है इसका? It is entirely nominated body. यहाँ पर election नहीं होता, ये nominated body होता है। That is all the members of notified area committee, including the chairman, are nominated by the state government. सारे जो members हैं, including the chairman, वो भी nominated होते हैं state government के द्वारा। Thus, it is neither elected body nor a statutory body. Elected body भी नहीं है और ये इसका संविधान में कहीं पर उल्लेख भी मतलब कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी क्या है? टाउन एरिया कमेटी इज सेट अप फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल टाउन। छोटे छोटे शहर है इसके लिए। इट इज अ सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी, छोटे म्यूनिसिपल अथॉरिटी ये है। Is entrusted with limited number of civic functions like drainage, road ditches, road, street light and conservancy. So ये सारे काम ये करता है। Drainage system को देखना, road maintenance करना, lighting system को ये सारे provide करना। It is created by separate act of the state legislature. राज्य विधानसभा के द्वारा अलग act pass करके ये establish किया जाता है। Its composition and function and other matters are governed by this act. इसके जो कंपोजिशन फंक्शन है ये गवर्न होता है इस एक्ट के द्वारा। इट मे बी होल्ली इलेक्टेड और होल्ली नॉमिनेटेड बॉडी। ये पूरा इलेक्टेड भी हो सकता है, पूरा निर्वाचित मतलब नॉमिनेटेड भी, इलेक्टेड भी हो सकता है और नॉमिनेटेड भी हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और पार्टली इलेक्टेड भी हो सकता है, पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी भी हो सकता है। डिसाइड करेगा कौन? राज्य विधानसभा स्टेट का। नेक्स्ट, कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड क्या है? Cantonment board is established for municipal administration for civilian population in the cantonment area. जो cantonment area है वहां पर ये system municipal administration के लिए cantonment board establish किया जाता है। It is set up under the provision of Cantonment Act 2006. Cantonment Act 2006 के under ये set up किया गया है। A legislation enacted by the central government के द्वारा enacted हुआ है। It works under the administrative control of the Defence Ministry and of the central government. ये किसके अधीन है? Central government के जो Defence Ministry है वो ये act pass करवाते हैं, उसके अंदर ये काम करते हैं। Thus, unlike the above four types of urban local bodies, four types of urban local bodies जो है की तरह नहीं, which are created and administered by the state government, जो created होते हैं and state government के द्वारा। A cantonment board is created as well as administered by the central government. Cantonment जो board है ये administered होता है central government के द्वारा। Okay, the Cantonment Act 2006 was enacted to consolidate the amend a new relation relating the administration of cantonments with a view to impact greater democratization. So Cantonment Act 2006 was enacted. कंसोलिडेट करता है एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द अमेंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैंटोनमेंट्स के रिलेटेड वहां पर काम होता है। इंप्रूवमेंट ऑफ द फाइनेंशियल बेस फॉर मेकिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, एट प्रेजेंट 2019 तक देयर आर 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं इंडिया में। दे आर ग्रुप इन फोर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिविक पॉपुलेशन के हिसाब से वहां को डिवाइड किया गया फोर टाइप्स में। ओके,
सो कैंटोनमेंट बोर्ड कॉन्सिस्ट ऑफ पार्टली इलेक्टेड, ये भी पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है। कहीं कहीं कुछ ही लोगों को इलेक्टेड किया जाता है, कुछ नॉमिनेट होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स होल्ड ऑफिस टर्म ऑफ 5 इयर्स, इलेक्टेड है वो 5 साल के लिए होता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स है जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है वो कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफिस इज सेशन, वो लोग तब तक रह सकते हैं जब तक ये सेशन चल रहा है। द मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन इन द एक्स ऑफिशियो, मिलिट्री ऑफिसर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं ऑफ द बोर्ड एंड द प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग, और वो मीटिंग में भी प्रेसाइड करते हैं। आते हैं The vice president of the board is elected by the elected members of the among themselves of the 5 year. So vice president होते हैं उनमें ही, उनके द्वारा जो members हैं उनके voting के basis पे 5 year term के लिए elected होते हैं। Next, the category cantonment board consists of the following members. कुछ members के द्वारा ये consist होता है। First, a military officer commanding the station, एक military officer जो station को command कर रहा है। Next, an executive engineer in the cantonment होते हैं, a health officer in the cantonment, a first class magistrate nominated by the district magistrate। Next, three military officers nominated by the officer commanding the station। Next, eight members selected by the people of the cantonment area। Next, chief executive officer of the cantonment board। इन लोगों को लेकर cantonment board गठित होता है। जो करना ही होता है और कुछ डिस्क्रिशनरी फंक्शंस होता है, मतलब उनकी शिक्षा दी वो करे या ना करे। The source of income includes sources of income क्या है, tax revenue, non-tax revenue, दोनों जगह से वो लोग income करते हैं। Next, the executive officer of the cantonment board is appointed by the president of India. तो executive officer होते हैं cantonment के board के, वो president होते हैं। Okay, president भारत के जो president है वो इस cantonment board के president होते हैं, executive officer होते हैं। He implements all the resolution, वही resolutions को implement करते हैं, decision लेते हैं उस विषय में, और वो central cadre के अंदर इस purpose में आते हैं। Next देखते हैं township। Township क्या है? This type of urban government is established by large public enterprise to provide civic amenities to its staff and workers who live in the housing colonies built near the plant. मतलब एक प्लांट है, कंपनी है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर, मतलब सरकारी एक बड़ा कंपनी है, मतलब रेल सिटी है, वहां पर जो रेल सिटी है या कोई बड़ा कंपनी है उस कंपनी के आसपास उनके पब्लिक फैमिलीज रहते हैं, सो फैमिली मेंबर्स को सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, सुविधाएं देने के लिए ये रहते हैं। ओके, The enterprise appoints a town administrator to look after the administration of the town. The enterprise appoints a town administration. So enterprise जो है, तो enterprise appoints a town administrator. Town administration को administrator को the enterprise appoints करते हैं एक town administrator को जो देखते हैं township के जो administration के विषय को देखते हैं। He is assisted by some engineers. उनको assist करने के लिए कुछ engineers रहते हैं, other technical, non-technical staff रहते हैं। Thus, the township from the urban government has no elected members. वहाँ पर कोई elected members नहीं होते। Okay? In fact, this is an extension of the bureaucratic structure of the enterprise. ये extension है bureaucratic structure of the enterprise का। Next है port trust, जो near port बंदर के पास पास। The port trust are established ports like Mumbai, Kolkata, Chennai and so on. ठीक है, जो मतलब बंदर के पास जो वाला, two purpose के लिए होता है। First, to manage and protect the ports, protect करना ports को, manage करना इसके लिए। Next, provide civic amenities, वहां पर जो लोग family members रह रहे हैं उनको civic facilities देना। A port trust is created by an act of parliament. इसका जो act है वो parliament के द्वारा pass की गई है। It consists और बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही। इट्स चेयरमैन इज ऑफिशियल, इट्स एन ऑफिशियल
के जो चेयरमैन होता है वो एक ऑफिशियल होता है, एक ऑफिसर मेंबर होता है। इट्स सिविक फंक्शन आर मोर और लेस सिमिलर टू द म्युनिसिपैलिटी। इसका जो काम है नॉर्मली म्युनिसिपैलिटी की तरह ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल पर्पस एजेंसी। स्पेशल पर्पस एजेंसी क्या है? इन एडिशन टू द सेवन एरिया बेस्ड अर्बन बॉडीज और मल्टीपर्पस एजेंसी, स्टेट्स हैव सेट अप सर्टेन एजेंसीज अंडरटेक डिजाइनेटेड एक्टिविटीज और स्पेसिफिक फंक्शंस दैट लेजिटिमेटली बिलोंग टू द डोमेन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज और अदर लोकल गवर्नमेंट्स। मतलब ये जो सारे सेवन टाइप्स के हमने अभी तक पढ़ा, क्योंकि अर्बन बॉडीज है, स्टेट्स हैव टू सेट अप सर्टेन एजेंसीज रखते हैं जो क्या करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन लेजिटिमेटली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटी के काम हो रहा है लोकल गवर्नमेंट में के लिए ये देखने के लिए। इन अदर वर्ड्स दे आर फंक्शन बिट्स नॉट ऑन एरिया बेस। इसका मेन काम है काम करना, किसी भी एरिया पे लेजिटिमेटली काम को देखना, फंक्शंस को प्रोवाइड करना। इसका कोई एरिया नहीं ओके। इसका मेन काम है जो वर्क उनके दिया गया है उनको खत्म। नेक्स्ट है अभी तक ये जो आठ नंबर है इसका क्या उद्देश्य है? दे आर ए सिंगल पर्पस, यूनिक पर्पस और स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। इसको फंक्शनल लोकल बॉडीज क्या है, इसके टाइप्स क्या है? टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, टाउन को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, इसके अंदर वाटर सप्लाईज एंड स्वेज बोर्ड्स है, हाउसिंग बोर्ड्स है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड्स है, सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड्स, ये सारे इसके अधीन में आते हैं। सो दैट्स द ओवरऑल लेक्चर ऑन म्युनिसिपैलिटी। मैंने म्युनिसिपैलिटी के बारे में जितना जानना चाहिए इसके बारे में डिस्कस कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।